भीषण शीतलहरी में आम जन को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए हुए हैं। पहले से ही इसके लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जा सके, यहाँ पर कंबल उपलब्ध हो सके आसानी से, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है कि जिन जो यहाँ पे बंद पड़े कंबल कारखाने थे उनको फिर से चलाने की कार्रवाई हुई और उनको चलाए, कई चलाए प्रारंभ हो चुके हैं। हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था दी गई है और हर जनपद में व्यवस्था है। आज गोरखपुर में मुझे यहाँ पे रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा है और उसी क्रम में हम लोग स्वयं भी यहाँ रेन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए। महाराज जी, ये महीना पूरा पावन है, एक तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ से फिर गोरखपुर महोत्सव भी है, एक सभी प्रकार के आयोजन है पूरे देशवासियों का। दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, भारत के प्रति प्रेम और अनुराग रखने वाला व्यक्ति रहता है, या दुनिया के अंदर वे सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार के बल पर, तोप के बल पर दबाया गया, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है और वह ये कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लोगों के लिए एक नई आशा की किरण और सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का सम्मान और भारत के राष्ट्र मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही एक विकसित भारत की संकल्पना का एक साकार रूप पूरे देशवासियों के सामने आएगा।